हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ये थोड़ी थोड़ी सी भूल बची थी। ये 3 प्लाई की भूल है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने 2 रंग की जो है, एक लाइट ब्लू है और एक डार्क ब्लू है। ये एक लाइट ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन है। और ये मैंने पिंक कलर की ली है और ये मैंने येलो कलर की ली है। तो येलो कलर की मेरे पास भूल ज़्यादा थी, पूरा गोला था, तो उसको मैंने डबल किया है। देखिए इस तरह से शेड आगे कर लिए हैं ताकि थोड़ी सी जो है भूल मोटी हो सके। और 8 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। तो आज मैं एक आपको थाल पोस बना करके, इसे जो है थाल पोस भी कह सकते हैं, इसे पूजा के लिए आसन भी इससे बना सकते हैं, कुछ भी आप जो है इसके साथ बना के, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर भूल बची है तो इसको आप डबल कर लीजिए, मोटी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो बारीक से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको थोड़ा सा मोटा किया है। देखिए इस तरह से, ताकि जो है इस तरह से देखिए डबल धागा हो गया है तो अच्छी भी लग रही है। तो मैंने इसके साथ जो है एक जो है पूजा के लिए आसन बनाया है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने बनाना है, उसको कैसे बनाया है। तो एक कली मैं आपको बना करके दिखाऊंगी इसकी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से जो है ये मैंने बनाया है। अभी हमारी जो है 2 कलियां बाकी बची हैं, तो आपके साथ एक कली को शेयर करूंगी। आपने उन्हीं 10 लाइनों को रिपीट करते हुए जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें बनी हैं, मतलब कि 20 लाइनों का ये पैटर्न है। 20 लाइनें बन के इसमें कंप्लीट हुई हैं। तो ये कली जो है यहाँ से आप गिनने लगोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनी है, 9 लाइनें बनी है। 9 लाइनें मतलब कि एक सिलाई हमारी यहाँ पे, ये एक लाइन जो है ये मैंने ग्रीन ब्लू कलर की बनाई है, तो 18 सिलाइयाँ हैं लगभग। इसमें 2 सिलाइयाँ हमारी जो हैं, जो ये जो बेस हमने बनाया है फंदों का, फंदे डालने हैं, उसके बाद 2 सिलाइयाँ, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई फिर दूसरी साइड से उल्टी बनानी है। तो लगभग हमारी 20 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। 9 सिलाइयाँ हमारी यहाँ तक, 9 लाइनें आ गई, 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 20 सिलाइयाँ बनी हैं। तो आपने इस तरह से बनाना है। जब आप बनाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा कि कैसे हमने कहाँ से कितना बनाना है। तो इसमें जो है मैंने 24 फंदे जो है लिए हैं। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कलर भी लगा सकते हैं। इससे बड़ा बनाना है तो 24 की बजाय आप 6 6 चौका 24 6 5 30 जो है फंदे भी आप ले सकते हैं, 36 फंदे भी आप ले सकते हैं। मतलब 30 स्टिचेस लेकर के एक एक कलर को और ऐड कीजिए, 36 स्टिचेस ले रहे हैं तो एक कलर और ऐड कर लीजिए। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे और कितना कलरफुल इसे बनाना चाहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 24 फंदे मैंने बना करके, ये बेस कलर जो है यहाँ से स्टार्ट किया था 24 फंदों से। देखिए बेस कलर मैंने येलो लिया है, उसके बीच जो है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, ये पिंक कलर मैंने लिया है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे फंदे डाल लिए, तो उसके साइड जो है, फंदे डालने के बाद हमारी यहाँ पे ये हमने उल्टा बनाना है। देखिए फंदे डालने के बाद हमने उल्टी सिलाई पूरी बना लेनी है, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे बनाना। पूरी सिलाई को, 24 फंदे हैं, 24 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से वैसे तो उल्टा उल्टा ही बनाना है इसको, इस तरह से सारे फंदे मैंने उल्टे बना लिए। आपने यहां से स्टार्ट करना है। देखिए फंदे डाल ले, फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बना ली। देखिए ये हमारी सिलाई एक उल्टी बन गई। मान लीजिए आपने फंदे डाले, उसके बाद एक सिलाई हमारी उल्टी आ गई। अब दूसरी साइड से देखिए कैसे बनाना है। हमने दूसरी साइड हमारी उल्टी साइड होगी। उल्टी साइड में हमने 16 फंदे जो है इसी कलर से बनाने हैं जो हमारा बेस कलर होगा। दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। सोलह फंदे हमने बना लिए, बचे हैं हमारे पास सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, बचे हैं हमारे पास आठ फंदे। तो इनको यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर लगाया है, तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर इसमें लगा के हम स्टार्टिंग करेंगे अपने डिजाइन की। देखिए इस तरह से डबल कर लीजिए, फर्स्ट फंदा बनाया इसको ऐसे, ध्यान से आपने जो है यहां से इसको ज्वाइंट करना है। देखिए तो टोटल हमने छह फंदे बनाने हैं और दो ऐसे ही छोड़ देने हैं। जब आप डिजाइन स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ध्यान से देखना है आपने। इस तरह से देखिए ये हमारे छह फंदे बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। जो भी आप दूसरा कलर ऐड करोगे तो उसके बाद आपने छह फंदे इसके बनाने हैं, फिर दो फंदे यहाँ पे छोड़ के यहां से ही हमने वापस जाना है और इन सिक्स फंदों को हमने उल्टा बुनना है। देखिए इसी कलर से इस तरह से बना लिया, फिर धागा बैक साइड करेंगे, इस तरह से इसको क्रॉस कर देना है ऐसे। देखिए इस तरह से क्रॉस किया और येलो को हम आगे लेके आए और बाकी बचे सारे येलो के फंदे येलो से ही बनाएंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा हम टाइट करेंगे और इसको भी टाइट करेंगे ताकि यहाँ पे होल ना बने, फिर सारे फंदे येलो के बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे ताकि हमारी एज जो है ये देखिए स्मूथ रहे बिल्कुल। अब इसके बाद आ जाइए फिर से दूसरी साइड जो कि हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड में एक फंदा उतारेंगे और पहले हमने 16 फंदे बुने थे, अब 14 फंदे इसके बुनेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। चौदह फंदे बुन लिए। ये जो दो फंदे हैं इसको ग्रीन कलर से बुनेंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे धागे को ऐसे, फिर इसको ग्रीन कलर से बुनेंगे, थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे ऐसे। दो फंदे ग्रीन के बुन लिए, फिर चार फंदे और ग्रीन के बुनेंगे, मतलब कि टोटल हमारे पास फंदे छह होने चाहिए ग्रीन कलर से। देखिए और दो फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर जहां से वापस जाएंगे इन फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर वापस जाएंगे इस तरह से, क्रॉस करेंगे धागे को और येलो आगे लाएंगे और बाकी फंदे जो येलो के हैं वो येलो के ही बुनेंगे। और लास्ट वाला फंदा हमेशा हमने सीधा ही बुन के लेना है, इस तरह से सीधा बुन दिया। देखिए अब आ जाइए दूसरी साइड जो कि उल्टी साइड है। एक फंदा उतारेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। बारह फंदे बुन लिए, फिर हमने दो फंदे ग्रीन के बुनने हैं लास्ट टाइम। देखिए ये दो फंदे ग्रीन के बुने, फिर चार यहाँ से ग्रीन के बुनेंगे, मतलब कि दो फंदे यहाँ से लेंगे और चार हमारे यहाँ से आएंगे, टोटल हमारे पास छह फंदे हो जाएंगे अब ग्रीन कलर से। देखिए दो, दो चार और छह, फिर यहाँ से वापस जाएंगे और इन छह फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ।
6 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा बैक साइड किया, येलो को आगे लाए, बाकी फंदे सारे येलो के बुने जाएंगे। तो ये ग्रीन कलर का हमारा जो है पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हमारे सारे फंदे हमने येलो के बनाने हैं। और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुन के इसे कंप्लीट करना है, इस रो को, जो कि हमारी सीधी साइड से होगी। देखिए अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड में हमने एक फंदा उतारना है और येलो के बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे येलो के बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए, और हमने दूसरा कलर ऐड करना है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। मैंने तो कट कट करके बनाया है, आप चाहें तो इसे ऊपर ऐसे ही जा सकती हैं। और यहाँ से हम पिंक कलर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने दूसरा कलर जो है पिंक लिया है और तीसरा कलर मैंने ब्लू लिया है। तो पिंक कलर को इस तरह से हम लेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, 1, 2 पिंक के बना लिए। फिर 4 हमने और पिंक के यहाँ पर बनाने हैं, जो ग्रीन कलर की हैं उनको हमने पिंक में बदलना है, मतलब कि ग्रीन को भी पिंक बनाना है। अभी देखिए, 1, इस धागों को ऐसे साथ में लेते जाइए, तो बाद में जो बचेंगे वो कट कर देंगे। 3, 4, 5 और ये लास्ट वाला 6। तो 6 फंदे हमारे पास टोटल पिंक के आ गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां से फिर वापस जाएंगे और 6 फंदे जो पिंक के हैं वो पिंक के बुन देंगे, और येलो के हैं क्रॉस करके धागा येलो के बुनेंगे। तो सीधी साइड से तो हमारा ऐसे ही आएगा, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही हमने बनाना है, मतलब कि जिस कलर से दिख रहा है उसी कलर से बनाने। देखिए फिर से क्रॉस किया धागा, येलो को आगे लेके आए और बाकी फंदों को हमने येलो ही बनाना है, उल्टा उल्टा इस तरह से। और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे सीधी सिलाई में। अब आ जाइए दूसरी साइड, जो कि हमारी उल्टी साइड है। फिर हम देखिए एक फंदा उतारेंगे, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 2 फंदे फिर से पिंक के होंगे, तो इस धागे को इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हमारे पिंक के होंगे, ये येलो में, येलो के फंदे को पिंक बनाना है। अब 4 फंदे और यहां से लेंगे तो हमारे पास टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। देखिए फिर जहां से वापस जाना है, और ये 6 फंदे पिंक के हैं, 2 फंदे हमने यहां पे छोड़ दिए, 6 फंदे पिंक के बनाएंगे और धागे को क्रॉस करके फिर हमने येलो के फंदे बनाने हैं इस तरह से। देखिए धागे को क्रॉस करेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और बाकी फंदे येलो के बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा बुन के उसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर आ जाइए उल्टी साइड। देखिए पूरा पूरा विदाउट कट किए मैं आपको बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए बाकी फंदे जो है 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 फंदे हमारे येलो के आएंगे और ये 2 फंदे फिर से हमने पिंक के बनाने हैं। देखिए इस तरह से 1, 2, फिर 4 फंदे पिंक के बनाएंगे और, तो टोटल हमारे पास 6 फंदे पिंक के रहेंगे। अब यहां से फिर से वापस जाएंगे इस तरह से, 2 फिर से हमने छोड़ दिए, फिर हम 6 फंदे पिंक के बनाएंगे। और इसको क्रॉस करेंगे और येलो को आगे लेके आएंगे।
अब हमारा पिंक का पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल हमने इस डिज़ाइन को 6-6 सिलाइयों में मतलब कि बनाया है। 6 सिलाइयों का एक डिज़ाइन बनाया है, 6 सिलाइयों का दूसरा। देखिए तीन तीन हमारे बने हैं, 1 2 3, तीन का मतलब हमारी 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ से इस पिंक को भी कट कर देना है। देखिए इस तरह से धागे ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि उलझ जाते हैं जैसे। देखिए फिर हमने 4 फंदे येलो के लेने हैं। अब इन 2 फंदों को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाना है। देखिए इस तरह से अब ब्लू कलर ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमने ब्लू कलर में बना लेना है। 2 फंदे ब्लू के बनाए, फिर यहाँ से पिंक में से भी हम 4 फंदे लेंगे, ब्लू में बदल देंगे इस तरह से। इन फंदों, इन धागों को आपने इस तरह से साथ में लेते हुए बुनना है इस तरह से। एक तो हमारी सफाई से हमारा बुना जाएगा, दूसरा धागे जो है निकलेंगे नहीं बाहर इस तरह से। देखिए और बाकी बचे धागों को हम कट कर देंगे, चाहे आप बाद में कट कर लीजिए, चाहे आप साथ साथ में ही कट करते जाइए। देखिए इस तरह से, क्योंकि सिंगल प्लाई की वूल है तो इस तरह से धागे जो है ज़्यादा थोड़े निकल जाते हैं इसके, इस तरह से। देखिए 6 फंदे हमारे पास हो गए। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, इन 6 फंदों को हम ब्लू से ही बुनेंगे। यहाँ पे 2-2 छोड़ते जाना है, यहाँ से 2-2 लेते हुए जाना है उल्टी साइड से। इस तरह से बना लिया। अब फिर धागे को बैक साइड करेंगे और येलो को आगे लेके आएंगे, और हमारे पास 4 फंदे बचे हैं येलो के, तो उन 4 फंदों को हम इस तरह से येलो से बनाएंगे लास्ट वाला सीधा। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड से फिर हम 2 फंदे बनाएंगे येलो के, एक उतारा एक बना लिया। अब ये फंदे फिर से हम ब्लू में बदलेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे ब्लू के बना लिए और 4 और ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 6 फंदे ब्लू के होंगे इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और इन 6 फंदों को ब्लू बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से धागे को क्रॉस करेंगे और 2 फंदे जो बचे हुए हमारे वो येलो के बनाएंगे, एक उल्टा और लास्ट वाला हमारा हमेशा सीधा बन रहा है, इसे सीधा बन के कंप्लीट करेंगे। देखिए अब आ जाइए यहाँ पे फिर से। अब हमारा येलो का फंदा कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 फंदे फिर से हमने ब्लू में बनाने हैं और 4 फंदे इस साइड से लेंगे ब्लू के। देखिए 2, 2, 4 और 6। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट वाली सिलाई है, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला 6। ये देखिए ये हमारा जो है पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया है। अब इन्हीं सिलाइयों को आपने दोहराते हुए जाना है। अब इसके बाद कोई भी हमने फंदा छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम बनाएंगे, इस धागे को कट करेंगे पहले, तो इसको साइड में कर देंगे। अब इसमें जो है हमने पूरे फंदों को येलो में बनाना है। देखिए 24 फंदे हैं, तो इन 24 फंदों को जो छोड़े हुए फंदे हैं उनको भी हम साथ लेके जाएंगे, मतलब कि सारे फंदों को हमने बनाना है अभी इस तरह से। इस धागे को इस साइड में साथ में बुनेंगे हम ऐसे, इसको इस तरह से, इस तरह से। देखिए अब या बाकी सारे फंदों को हम येलो में बुन देंगे। अब ये था हमारा पैटर्न, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। कितने भी आप कलर लगा के इसे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बना सकते हैं। इससे छोटा तो वैसे होगा ही क्या, बड़े से बड़ा इसे बना के आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन कवर भी बना सकते हैं,
फ्रंट साइड ऐसी बुन लीजिए और बैक साइड में आप कपड़ा लगा के इसको कुशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर आपका बन के रेडी हो जाएगा। और आपके पास जो बची हुई वूल है वो भी हमारी जो है सारी यूज में आ जाएगी। इसको कट कर दीजिए। अब देखिए ये वाला हमारा इस तरह से बन गया। तो ऐसे आपने ये जहां से जैसे हमने स्टार्ट किया था यहां से वैसे ही यहां से स्टार्ट होगा। ये पूरी सिलाई येलो की आएगी उल्टी, यहां से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। जब इस साइड से आएंगे उल्टी साइड से तो हम फिर से 16 फंदे बुनेंगे और 8 फंदों में फिर से हमने ग्रीन कलर शेप बनाने हैं, ग्रीन कलर के 2 छोड़ देने हैं। फिर आती हुई सिलाई में फिर से 2 फंदे यहाँ पे ग्रीन और 4 यहाँ से, फिर 2 छोड़ देने हैं। तो इस तरह से आपने बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो लास्ट में जो है ये मैं कली बना लेती हूँ, उसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी बाद में। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लास्ट में हमने सारे फंदों को इस तरह से बंद कर देना है। देखिए थोड़ा ढीला ढीला से घटाना है हमने ताकि जब हम जोड़ें सुई के साथ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो होल बना है इसको हमने इस तरह से सुई में इन सारे फंदों को इस तरह से सुई में पिरो लिया है। देखिए इस तरह से सारे फंदों को सुई में पिरो करके इस धागे को ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे ये होल भी बंद हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर बना के अटैच कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है आप कैसा इसको जो है लुक देना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में हमने एक नोट लगा के इसको बंद कर देना है और धागे को कर देंगे कट। तो ये हो गया हमारा टेबल मैट रेडी। और ये जो बचे हुए धागे हैं इनको भी ऐसे कट कर दीजिए ताकि सफाई अच्छी हो, मतलब कि आ सके अच्छे से, जो है साफ दिखे, ज़्यादा गंदा ना दिखे पीछे से भी। तो इस तरह से हमारा जो है टेबल मैट बन के रेडी हो गया। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है ये बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।